अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक छोटे भाई ने अपनी बहन की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और आलाय कत्ल की भी बरामदगी कर ली है। थाना सरधना के मोहल्ला इस्लामाबाद में अपने मामा के घर रहने वाली सिमरन का अपने पड़ोस के रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के परिवार वाले इसका विरोध करते थे। लड़की अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। 3 माह पहले जब परिवार के लोगों को पता चला तो परिजनों ने लड़की के घर से निकलने पर रोक लगा दी। उसके बाद भी लड़की मोबाइल से अपने प्रेमी से चोरी छिपे बात करती थी। 3 दिन पहले लड़की के छोटे भाई ने अपनी बहन सिमरन को प्रेमी के साथ देख लिया था। माना जा रहा है तब से वह सिमरन को मारने का प्लान बना रहा था। पुलिस ने बताया कि सिमरन रात कमरे में सोई हुई थी, तभी छोटा भाई आरिफ तमंचा लेकर कमरे में पहुंचा। उसने सोते समय अपनी बहन सिमरन की गोली मारकर हत्या कर दी। थाना क्षेत्र सरधना के इस्लामाबाद मोहल्ले में आरिफ नामक व्यक्ति के द्वारा अपने बहन की हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया मामला इस तरीके का है कि लड़की के प्रेम प्रसंग की बात निकल कर आ रही है और अंदर गहनता से जांच की जाएगी। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल जो है उसे बरामद कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। युवती की मौके पर ही मौत हो गई। गोली लगने की आवाज़ सुनकर परिवार व आसपास के लोग भी जमा हो गए। हत्या करने के बाद आरिफ ने परिवार वालों से कहा कि सिमरन को प्रेमी से ही शादी करनी थी, उसी से निकाह करना है, अब उसे जन्नत मिल गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि सिमरन का छोटा भाई आरिफ, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास है, उसने अपने घर में आकर कहा था कि अब बदनामी बहुत हो गई है, सिमरन की वजह से उस पर आसपास रहने वाले लड़के कमेंट करते हैं, इससे ज़्यादा बदनामी नहीं झेल सकता। आरिफ ने यह भी कहा था कि वह सिमरन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये लड़की मेरी भांजी है, मैं इसका मामा हूँ और ये 2 बच्चे जो हैं ये हमारे पास ही रहते थे बचपन से, भांजे भांजी। और इस लड़की का जो है किसी लड़के से प्रेम प्रसंग का मामला हो गया था, उसकी वजह से इसके भाई को जो है शर्म आ रही थी कि मुझे समाज में मैं सर उठाने लायक नहीं हो रहा। इस वजह से रात को सब सो रहे थे और उसके भी सोती हुई की गोली मार दी। बस सब सो रहे थे, एकदम धमाका हुआ है, हमारी एकदम आँख खुली और वो गोली मार के भाग लिया और मेरे को पेश हो गया जाके, मेरे को मैं जा रहा हूँ थाने में, खुद मैंने अपनी बहन को मार दी। अपने प्रेमी के साथ शादी करने की जिद पर अड़ी एक बहन को भाई ने उस समय गोली मार दी जब वह सोई हुई थी। गोली मारने के बाद भाई ने परिजनों को बताया कि उसने बहन को गोली मार दी है और उसको जन्नत नसीब हो गया है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस हत्या के बाद एक बार फिर साबित हो गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्यार करने वालों की सजा मौत है, सिर्फ मौत। राजीव शर्मा, प्रभा साक्षी।